आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज असली देसी किचन में बन रही है पाइनएप्पल केक। तो चलिए, जो सामान लगेगा केक में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। ये एक कप मैदा है और एक कप दूध है, आधा कप मिल्क पाउडर और एक चौथाई कप ऑयल है और ये आधा कप पाउडर शुगर, दो चम्मच कंडेंस मिल्क और कुछ ब्रेड क्रम्स है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालें, वरना स्किप कर दें। और एक चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा, ये जरूरी है डालना दोनों ही चीजें। और एक चम्मच विनेगर, ये भी जरूरी है। और ये है पाइनएप्पल एसेंस, ये पाइनएप्पल एसेंस जरूर पड़ेगा इसमें। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप वनीला एसेंस डाल दें। चलिए तैयारी करते हैं केक की। मैं डालती हूँ पाउडर शुगर, ऑयल डालती हूँ इसमें, अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ विस्कर से। पाखे बन जाती है पाउडर शुगर की, तो फोड़ना है। अब इसमें डाल रही हूँ ये कंडेंस मिल्क, दो चम्मच है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर शुगर बढ़ा लें थोड़ी सी, इसके बगैर भी बन सकती है। मिक्स कर लें। अभी डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, अब एक चलनी लेती हूँ, फिर इसमें ये ब्रेड क्रम्स, ये जो रखे हुए हैं ये ब्रेड क्रम्स, ये भी डाल लेती हूँ इसमें। अभी इस मैदा को मैं छानूंगी। ये मैदा मैंने इसमें डाल ली, इसे मैं छान लेती हूँ। अब इसमें डालती हूँ मैं दूध, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी जितना जरूरी है। अभी और से मैं विस्कर की मदद से इसे चला लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तब तक मैं कढ़ाई को भी प्रीहीट कर लेती हूँ। गैस ऑन कर दी मैंने। अब इसमें नमक डाल देती हूँ। लास्ट में दो कॉलम है, कार्नेस और एक और है एक्टिवेशन, इनको तो हमारा लेना देना नहीं है ना। इस नमक को मैं इसमें डाल देती हूँ, इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ, लगभग एक से डेढ़ कप आप नमक डाल सकते हैं। और इस नमक को फेंके नहीं, जब भी आप केक बनाए तो इस्तेमाल इसका रीयूज कर सकते हैं। अभी मैंने स्लो कर दी है, अब इसको मैं स्लो मीडियम पे 10 से 12 मिनट के लिए रख देती हूँ। ऐसे रखूंगी, इसे निकाल लेती हूँ। आप कोई भी, अगर आपके पास ये जाली नहीं है तो
तो आप और भी कुछ जैसे कटोरी उल्टी करके रख सकते हो, या फिर कोई रिंग पड़ी हो आपके पास, कटोरी भी रख सकते हो, उल्टी कर दो और उसके कटोरी के ऊपर से केक टिन रख दो। अब इसको मैं प्रीहीट होने के लिए 10-12 मिनट के लिए रख देती हूँ। और इस केक के लिए जो आप मिल्क लेते हैं वो रूम टेम्परेचर पर हो, ना ठंडा हो ना ज्यादा गर्म, गर्म तो कोई नहीं ना ठंडा हो, बस सिर्फ रूम टेम्परेचर पर। अब मैं इसमें ये समझ लो ये जो दो चीजें हैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ये लास्ट में ही डालो। पहले मैं डालती हूँ पाइनएप्पल एसेंस, ये एक चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डाली ना, बस करती हूँ बंद। अब इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच विनेगर, अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो नींबू डाल लें, नींबू वही काम करेगा जो विनेगर करता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर एक चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, मैं इसको मिक्स करती हूँ। और अगर आपका ये बेस गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा दूध और डाल लें, और अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं। दूध डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया बनेगी केक। मैं यहाँ पर पाइनएप्पल क्रश डालूंगी थोड़ा सा, अगर आप कलर डालना चाहते हैं तो आप कलर डाल दें। अब इसकी कर लेती हूँ ऑयलिंग, अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए। इस बैटर को एक बार चला लेती हूँ, इसमें डाल लेती हूँ अच्छे से गर्म हो गया है, और इसको रख देती हूँ, बहुत ही गर्म है, इसको कपड़े की मदद से। अब इसको 30 से 35 मिनट मुझे रखना है, पकाना है स्लो मीडियम पर। इधर केक हमारी बन रही है और इधर मैं क्रीम को बीप कर लेती हूँ। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्रीम की, बिल्कुल वीप हो चुकी है अच्छे से, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं चलाए हुए इसको, देखो देखिए आप बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें क्रीम की। तो अब ये हो चुकी है, अब मैं केक को भी देख लेती हूँ। 30 मिनट हो गए हैं,
मैं टूथपिक डाल के देखती हूँ, देखिए साफ निकल रही है। देखिए साफ निकल रही है, तो हमारी केक लगभग बन चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। साइड छोड़ दी है इसने। देखिए अब मैं इसको गैस को करती हूँ बंद। और इसे केक को अभी इसे 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, ठंडा हो जाएगा थोड़ा। फ्रेंड्स मैंने रख दिया एक पैन और इसमें डाल रही हूँ पानी। लगभग आधा लीटर और इसमें डालूंगी आधा कप चीनी। ये बनाऊंगी मैं सुबह सीधे, उससे पहले मैं इसमें अनानास को पकाऊंगी, मतलब पाइनएप्पल को चीनी में पकाऊंगी। उबाल आ जाए उसके बाद मैं पानी पर डाल दूंगी। उसमें ही मैं ये पाइनएप्पल डाल देती हूँ। ये डेकोरेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इनकी। कुछ छोटे पीसेस हैं, कुछ बड़े हैं, इनको 4 से 5 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स केक निकाल लेती हूँ और मैं प्लेट को ऐसे रखूंगी और अभी भी गर्म है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कितनी अच्छी हमारी केक बुकी है, एकदम से मस्त स्पंजी बहुत ही सॉफ्ट बनी है। तो अभी है ये गर्म, थोड़ी देर हवा में रखती हूँ होने के लिए। इसको छान लेती हूँ मैं सिरप को, ये सिरप हमारे काम आएगा केक पे। देखिए फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा ये ऊपर से इसको कट कर लेती हूँ। ये लेवल में आ जाए और इसे ये पका हुआ है, खा सकते हैं कोई भी। अभी मैं साइड में रख रही हूँ। अब मैं इसके 2 लेवल करूंगी, आप 3 करो चाहे तो 3 कर सकते हैं, मैं भी 3 करूंगी। इसके कट लगा लेती हूँ, 1 और 1 2। एक सौ वाला करेंगे तो आपको कट करना आ जाएगा, बस बहुत ध्यान से ही कटना है। तो फ्रेंड्स मैंने 3 लेयर कट कर ली हैं, देखो 2 ये रखी हैं, 1 ये है और इस पे पहले मैं चाशनी सोक कराऊंगी। और अगर आप पानी भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चाशनी बना लेंगे तो चाशनी का ही आप इसको पानी ऊपर डालें। अगर आप क्रीम ले रहे हैं तो
तो अभी क्रीमी लें। उसके ऊपर से पाइनएप्पल क्रश लगा दें। अगर आपके पास क्रश नहीं है तो आप कलर डालकर आप चाशनी का बना सकते हैं। बस अब इसके ऊपर दूसरी लेयर लगा दूंगी। सॉरी, एक सेकेंड। अगर इसमें बीच में डालना चाहें तो आप ये पाइनएप्पल डाल सकते हैं, बट मैं ऊपर से लगाऊंगी। अब इसको भी मैं चाशनी से सोक करा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। ये मैंने क्रीम लगा दी है, जेल लगा दिया है पाइनएप्पल। अब मैं इसके ऊपर फ्लावर केक बन जाए तो बनाती हूँ। दिया है केक को और छोटे छोटे पीसेस मैं नीचे भी लगा देती हूँ पाइनएप्पल के। ऐसे जितनी भी जगह है देखिए फ्रेंड्स, केक बनकर रेडी है। बताइए आपको कैसी लग रही है। ये मेरे बेटे के जन्मदिन की है केक, 5 अगस्त को उसका जन्मदिन है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो मैं समझूंगी आपने मेरे बेटे को विश किया है बर्थडे। और फ्रेंड्स, एक केक मेरे बेटे की बर्थडे की है। अगर आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे बेटे के बर्थडे के दिन आप मेरे बेटे को विश करें सब्सक्राइब करके। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया मेरे चैनल तो मैं समझूंगी आपने मेरे बेटे को विश किया है। और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू।